रमजान शरीफ आते ही चाट मसाले का इस्तेमाल घरों में बढ़ जाता है। चाट मसाला आप दही बड़ों में भी डाल सकते हैं और आप इसको पकौड़ों में भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ चाट में ये इस्तेमाल होता है। कटोरी चाट की रेसिपी दी उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये सुर्ख मिर्च जो होती है खुश्क वाली, ये लंबे वाली हम ले लेंगे, ठीक हो गया। इसका टेस्ट और कलर थोड़ा सा अच्छा होता है, तेज होता है। इस मिर्च जो होती है ना गोल, इससे बेहतर होती है ये वाली। ये हमने ले ली चाट मसाले के लिए, बेहतर होती है, ठीक हो गया। चार और चार आठ डाल देंगे। तेज पात हम यहाँ शामिल कर देंगे, ये दो से तीन अदद, ये छोटे साइज का भी था। दालचीनी का टुकड़ा ये दो से तीन शामिल कर देंगे। काली मिर्च साबित वाली, ये देखें इस तरीके से 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून खाने वाला स्पून, ठीक हो गया, शामिल कर दें। सफेद जीरा साबित 2 टेबल स्पून भर के इस तरीके से। लौंग 1 टीस्पून से कम बनती है, इनको गिनती में देखें तो 15 से 20 अदद बनती है, शामिल कर दें। अच्छा, फिलफिल दराज, ये फिलफिल दराज इस तरीके से मार्केट से मिल जाती है। पिपली भी जिसे आप लोग कहते हैं, इस तरीके से 4 अदद ले लेंगे। ये चाट मसाले की जान है, ये लाजमी जाएगा, बासाने मिल जाती है और ये महंगी भी नहीं होती, ये शामिल कर दें इस तरीके से। अनारदाना 1 टेबल स्पून इस तरीके से। आमचूर पाउडर है 1 टेबल स्पून इस तरीके से। इन तमाम चीजों को हम जो है ना रोस्ट कर लेंगे। ये कुछ चीजें मेरे पास मैंने बचा ली, इनको मैंने रोस्ट नहीं करना। चूल्हा हमने यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, हम मीडियम फ्लेम पे 2.5 मिनट 2.5 से 3 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मसालों को अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लिया। मिक्सी का जार एक ले लिया हमने, जिसके अंदर मसाले ग्राइंड किए जाते हैं, इसके अंदर इनको शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से कोई चीज जाया नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाट मसाले की जान होती है, फिलफिल दराज जैसे मैंने आपको बताया, पिपली जिसे आप कहते हैं, चीनी। बाबा जी चीनी कौन दबता है भाई, चीनी जाती है इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर वैसे आप डालेंगे तो बहुत तीखा होगा। चीनी और साथ में सूंठ का पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर, सूंठ का पाउडर, सूंठ जो साबित मार्केट से मिलती है ना खुश्क अदरक, वो अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होता, इसलिए मैंने आपको पाउडर का बताया। पाउडर ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। चीनी 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, इससे ज्यादा नहीं दब देना, 1/2 टेबल स्पून ये है हमारे पास व्हाइट नमक, ये इस तरीके से। पाउडर बनाना है, कौन सा पाउडर बनाना है, फाइन पाउडर, बारीक पाउडर। अगर बारीक नहीं बनेगा, यहाँ पे स्टेनर रखा हुआ है, फिर छानेंगे फिर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये ना जी अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया, ऐसे हिला लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखें आप, स्टेनर में डालेंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने छान लिया अच्छे तरीके से, ये दरदरा सा बच गया, इसको दोबारा से इसमें डालेंगे। ये देखें ये फाइन बन गया इस तरीके से, इसको कहते हैं फाइन। इसको भी इसी तरीके से हम पीस के फिर छान लेते हैं अच्छे तरीके से। हमने इसको देखें पाउडर फॉर्म में ले आया, ये देखें बारीक इस तरीके से। अच्छा, जो मार्केट में मिलता है ना उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, वो फूड कलर का यूज करते हैं, हमने नहीं किया। घर में जो इस्तेमाल करना होया ना, हमने केमिकल का यूज किया, गल समझ आ रही है। और जब आपने इसको रखना है इस तरह का, आपने एक शीशे की शीशी ले लेनी है जिसके अंदर नमी वगैरह ना हो, खुश्क होनी चाहिए। खुश्क करके इसमें आप डाल के रख दें, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 माह ये खराब नहीं होगा। प्यारी सी कटोरी में डिश आउट करके दिखाता हूँ इस तरीके से, माशाल्लाह बहुत कमाल जबरदस्त। ये देखें ये हमारा चाट मसाला, होममेड चाट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरीके से। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।